गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास जो है फोर्थ का जो है मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर वन का रिवीजन में जो है चैप्टर के बारे में जो है बता रहा हूँ। बच्चों, आपने जो एक से पाँच तक जो है पिछली कक्षाओं में आपने जो है एक से पाँच तक के प्रॉब्लमों को जो है सॉल्व करना जो है आपने सीखा था। अब जो है मैं इससे आगे के जो सवालों का जो है सॉल्व करने के लिए बारे में जो है आपको बताऊँगा। बच्चों, आपने एक से पाँच तक देखा था, अब क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स को देखेंगे। बच्चों, यहाँ पहला सवाल है द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बच्चों, आप जानते हैं होल नंबर क्या है? जो है जब प्राकृतिक संख्या को जो है जीरो, प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देते हैं तो वह होल नंबर बनता है। यानी नेचुरल यानी होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? आपका जीरो। यानी कि होल नंबर क्या से स्टार्ट होते हैं? जीरो से लेकर जो है आपका होल नंबर जो है आपका जीरो वन टू थ्री से स्टार्ट होते से डॉट 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 अनंत तक आप जा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है? जीरो है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? अब लिखना सेकेंड में हमको नेचुरल नंबर है तो स्मॉल हमको क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या फिल इन द ब्लैंक से हमको क्या भरना है? ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वन होता है। क्योंकि हम जब गिनती की स्मॉल नेचुरल नंबर क्या होता है, जब जानते हैं बच्चों की जो नेचुरल नंबर क्या है कि जब गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी गिनती कब कितना शुरू करते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव से कहाँ तक? अनंत तक आप लोग चले जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? वन है। अब सक्सेसर ऑफ द फोर फाइव सिक्स निकालना है बच्चों। यहाँ हमको क्या करना है? सक्सेसर ऑफ वन, सक्सेसर ऑफ फोर फाइव सिक्स नाइन का क्या होता है? सक्सेसर मीन्स एक जो है हमारे पहले वाला, माने कहने इस संख्या के जो पहले के बाद जो है कौन से नंबर आएंगे वह संख्या हमारा सक्सेसर कहलाता है। जैसे फोर फाइव सिक्स नाइन के बाद क्या आएगा? फोर फाइव सेवन जीरो आएंगे। यानी सक्सेसर में हमको क्या करना है? वन ऐड कर देना है। बच्चों, जब याद रखिएगा, जब भी सक्सेसर निकालना होगा तो द्विवीय संख्या में अगर वन ऐड कर देंगे तो वो आपका जो है सक्सेसर होता है। तो इसको अगर वन ऐड कर देते हैं तो फोर फाइव सेवन जीरो होता है। और प्रेडेसर, प्रेडेसर मीन्स क्या होता है? पहले वाला, मैंने कहने का अर्थ है कि 9000 से जो हमारा पहले कौन सी संख्या आती है, तो 9000 से पहले आने वाली संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वन 9000 वन सेपरेट कर देते हैं तो हमारे क्या आते हैं? 899, ये आपका जो है प्रेडेसर होते हैं। यानी 8999 जो है 9000 का जो है प्रेडेसर होगा। अब बच्चों यहाँ देखेंगे जी नंबर सवाल, इसमें कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट फॉर्म बाय 102। अब ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ थ्री डिजिट नंबर है, हमको क्या फोर डिजिट का बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए इसमें सबसे अधिक कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है? टू है। तो टू को हम टू टाइम्स लिखेंगे, बाकी वन और जीरो को लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट होंगे बाय द 102। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट फॉर्म बाय 203। तो स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारे क्या है, क्या 203। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? जीरो है। इसको अगर पहले लिखेंगे 0023 तो इसका मीनिंग नहीं होगा, क्या होगा आपका? टू ओनली 23 पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जब लिखने के लिए ग्रेटेस्ट होगा तो टू को जो है स्मॉलेस्ट जो है टू के बाद जो टू के जीरो के बाद जो छोटी संख्या होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर जो हमको क्या करेंगे उस पर रिपीट कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर को। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ क्या है? जीरो, जीरो जीरो हम कर देंगे। अब उस बाद क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर थ्री है तो थ्री को लिख देंगे। तो इस तरह हमको क्या होंगे? ग्रेटेस्ट नंबर मिलेंगे 2003। हाँ सी बहुत। अब बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के में पढ़ें, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। यानी यहाँ पैटर्न हमको क्या दिया हुआ है? 7245, 7345, 7445 दिया हुआ। इसमें हमको फोर, उसके बाद वाला जो है फोर डिजिट हमको लिखना है। वो कैसे हमको लिखेंगे? तो पहले बच्चों यहाँ देखेंगे, इसके बाद वाले को सबसे क्या था? 7245, 7345
3, 4, 5 ये दोनों में को हम पहले कंपेयर करें, पहले दो देखेंगे। अब जो इसमें बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है 7, 3, 4, 5 इसमें से हम क्या क्या करेंगे, छोटी संख्या 7, 2, 4, 5 सबट्रैक्ट करेंगे। अब सबट्रैक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, यानी 100 आते हैं। अब बच्चों हम अगर ये संख्या में जो है 7, 2, 4, 5 में 100 अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, 7, 3, 4, 5। अगर 7, 3, 4, 5 में अगर 100 ऐड करेंगे तो क्या मिलते हैं, 7, 4, 5, 0। 7, 4, 5 में 100 अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 7, 5, 4, 5। फिर इसमें ऐड करेंगे 100 तो हमारा क्या मिलेगा, 7, 6, 4, 5 मिलते हैं। 7, 6 फिर इसमें ऐड करेंगे तो 7, 7, 4, 5 मिलेंगे। फिर इसमें हमको ऐड करना है 100 तो क्या मिलेंगे, 7, 8, 4, 5 मिलेंगे। इस तरह आपका जो है पैटर्न पूरा होता है। अब बच्चों यहाँ देखें दूसरे नंबर सवाल, 8001 है, 8002 है, 8004 है, 8007 है। इसके बाद के हमको जो फोर्थ नंबर सुनिए बच्चों, यहाँ अगर दोनों में 8002 में अगर 8001 को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी 8001 में अगर 1 हम ऐड करते हैं तो 8002 मिलता है। 8002 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 8004 मिलेगा। 8004 में अगर हम 3 ऐड करेंगे 8007 में मिलेगा। यानी आप नीचे देख रहे हैं कि नीचे भी हमारा बढ़ते 1 जो है हमारा बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे 1 है, उसके बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3, 3 हुआ, फिर इसके बाद 3 के बाद क्या होगा, हमको 4 ऐड करना होगा। 8 नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, 8007 में हमको क्या करना, 4 अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8011 मिलेगा। और फिर यहाँ 4 के बाद क्या है, 5 होगा, 5 इसमें ऐड करिएगा तो कितना, 8016 मिलते हैं। अब 8016 में हम फिर 6 ऐड करेंगे, 5 में ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 8022 मिलेगा। 22 में फिर जो 7 जोड़ेंगे तो कहते हैं 8029 मिलते हैं। इस तरह हमारा जो है पैटर्न जो है कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन, अब बच्चों हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। अब राइट इन द एसेंडिंग ऑर्डर, अब किसी भी संख्या को एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले छोटा लिखेंगे उस बाद बड़ा लिखेंगे। अब यहाँ नंबर दिया 4, 2, 5, 6, 3, 8, 4, 2, 5, 6 उस बाद क्या दिया हुआ आपका, दूसरा नंबर हमारा दिया हुआ है 3, 8, 5, 6, 8, 5, 4, 6 and 7, 2, 9, 0 and 9, 0, 0, 9। अब इसमें सबसे छोटी नंबर्स कौन होते हैं, 3, 8, 5, 6 यानी पहले में 4000 है, 3000 है, 8000 है, 7000, 9000। यानी फर्स्ट आप कंसीडर करिए कि क्या है, पहला हम यहाँ से लेंगे कितना हमारा, 4000, 3000, 8000, 7000, 9000 जिनके बाद आते हैं। यानी हमको पहले कौन लिखेंगे, 3000 सबसे छोटा होगा, उस वक्त क्या 4000 हो जाएगा, उस वक्त 7000 वाला हो, उस वक्त 8000 होगा, उस वक्त 9000। इस तरह जो नंबर हमको मिलेंगे तो सबसे छोटी संख्या ये होगा और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 900 जो सबसे लास्ट में रहेगा। तो यानी बच्चों असेंडिंग ऑर्डर समझने से के लिए सोचिए कैसे होता है, जब सीढ़ी से जब हम नीचे की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। मैंने सबसे पहले क्या होता है, जब नीचे रहते हैं तो क्या होता है, नीचे से अगर छत पर जाना रहता है तो क्या होता है, नीचे से अगर ऊपर की ओर जाइएगा तो आपको क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता है, वहाँ हमारा क्या हाइट बढ़ता है। यानी पहले जीरो से जाएंगे, मानो वहाँ जब सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हाइट हमारा जो है बढ़ते रहता है। अब बच्चों जो है दूसरे सवाल में जाएंगे, डिसेंडिंग। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, अब छत पर चढ़ जाते हैं, छत से जब नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। यानी ऊपर से हमको नीचे आना है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के लिए क्या हो, ऊपर से जब नीचे आने करने का तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उस पर छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। यानी यहाँ आप देखिए 7594 है, 9745 है, 7495 है, एंड 9547 एंड 9576 है। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे यहाँ 9745 है, यहाँ सबसे जो है बड़ी संख्या है, उस पर 9500, उस पर छोटी संख्या क्या आएंगे, 9576 आएंगे, उस वक्त क्या आएंगे, 9547 आएंगे, फिर कितना होगा, 9594 आएंगे,
फिर 9,494। इस तरह आप देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, उसके बाद बड़ी संख्या से छोटी है उस बाद आएगी, फिर इससे छोटी होगा वो आएगा, फिर इससे छोटा होगा ये आएगा, फिर इस तरह से करते हुए हम इस नंबर्स को लिख सकते हैं। तो इस जो लिखा हुआ नंबर होता है हमारे एसेंडिंग ऑर्डर में आता है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें राइट ऑल द पॉसिबल नंबर्स ऑफ द 3 डिजिट यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस टाइम। यानी हमारे दिया हुआ 4, 3, 5 हमारे 3 डिजिट दिए हुए, इसे जितनी संख्या है पॉसिबल नंबर्स है उसको बनता है उसको आपको बनाना है। यानी कितना होगा, पहले आप 4, 3, 4, 3, 5 लिखें। अब क्या करेंगे, 4 जो है तो 435 करेंगे, फिर क्या करेंगे ये 5 को हम 3 के स्थान पर लिख देंगे तो 4053 होगा। अब क्या करेंगे 5 को 4 के स्थान पर लिखेंगे यानी 543 हो गया। फिर क्या करेंगे 4 के स्थान पर 3 लिखेंगे तो क्या होगा 5534 होगा। फिर जो है हम 3 को जो लिखते हैं पहले 5 के स्थान पर 3 अगर लिख देते हैं, इंटरचेंज अगर करते हैं तो हमारा 354 होगा। फिर क्या हम 354, इस तरह हमारे 6 संख्या जो है 6 नंबर्स हमको प्राप्त होते हैं। तो 6 नंबर्स हमारे प्राप्त होते हैं बच्चे। जब इसको आप करते हैं इसके बाद के सवाल जो है के बारे में हम जब नेक्स्ट कक्षा में बताएंगे, आज जितने भी मैं बताया हूँ उस पर जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 1 से 10 तक के बीच में आप इसको खुद करने का, जो शेष क्वेश्चन है उसको खुद करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स।